एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है और आज बात होगी राजनीति की। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी से कुछ राजनीति पर होगी चर्चा, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और वो किस तरह से जो उपचुनाव होने वाले हैं उन्हें और 2019 को किस रूप में ले रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आने वाले 2019 को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी सक्रिय है और क्या आगे की योजनाएं चल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, वो आगामी रणनीति को लेकर ही है, क्योंकि इस समय जो है आप देख रहे हैं जनता त्रस्त है। महिलाओं पर, व्यापारियों पर, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, पूरा व्यापार चौपट हुआ पड़ा है, किसान बदहाली के कगार पर है, महिलाओं की इज्जत के आबरू पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी जगह सब लोग झूठ का पुलिंदा बांधे घूम रहे हैं, खुले आम शोषण हो रहा है। तो यही हमारा, क्योंकि समाज में जो जा रहा है मैसेज, हमें ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एक तानाशाही हिटलरशाही का रवैया है, ये जनता में मैसेज जा चुका है। अब जनता अखिलेश जी की ओर देख रही है। जैसे अभी बहुत सारी घटनाएं मुरादाबाद में भी हुई और कई बार ये सुनने में आता है कि प्रशासनिक अमला अपनी मर्जी से काम कर रहा है और उन लोगों को न तो सरकार की चिंता है न पब्लिक की चिंता है, ये आप समाजवादी पार्टी की तरफ से किस रूप में लेते हैं? प्रशासन पे जो है सरकार का किसी भी तरीके का कोई अंकुश नहीं है। आप देख रहे हैं आए दिन विधायकों का, सांसदों का अखबारों में बयान आते रहते हैं। दूर को मत जाइए, आज ही नगर आयुक्त हमारे मुरादाबाद में लौट के आए हैं, उन्होंने आते ही हमारे शहर महापौर का जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उनको पलट दिया है। उन्होंने कह दिया ये महापौर के उसमें नहीं आता है। तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं इस समय बिल्कुल, और वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। उससे पहले चंद कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे नगर विधायक, उनका भी शोषण हो रहा था, एक एडीएम सिटी साहब शोषण कर रहे थे, उन्होंने भी एडी चोटी का डोर लगाया, तब जाकर वो ट्रांसफर हुआ। तो अधिकारी किसी की न, सांसद विधायक कार्यकर्ता तो दूर की बात है। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी की कुछ योजनाएं थी वो इस सरकार में आने के बाद में या तो बंद हो गई या उन्हें किसी न किसी रूप में रोक दिया गया, इसकी क्या वजह समाजवादी पार्टी वाले? देखिए, योजना तो इनकी कोई भी है ही नहीं। जो इनका मैनिफेस्टो था वो पूरी तरीका झूठ का पुलिंदा था। जो जिस मैनिफेस्टो पे ये आए थे, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया था, धार्मिक उन्माद पर जो इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, वो इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति फ्लॉप हो चुकी, कोई काम की बात नहीं करी। जितने एजेंडे थे, जितनी योजनाएं थी अखिलेश जी की, वो सब इन्होंने अपना अस्तजामा बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। रही बात स्मार्ट सिटी वगैरह की, तो सड़कें कूड़ों के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, नालियां लबालब हो चुकी हैं, ना स्मार्ट सिटी बन रहा है, ना कोई योजना बन रही है, सिर्फ झूठ का बोलबाला है। स्मार्ट सिटी की आपने बात की, स्मार्ट सिटी में हमारा, अगर मुरादाबाद की हम बात करें तो ये जो एरिया स्मार्ट सिटी का दिखाया गया है वो स्वयं में एक ऐसा पॉश एरिया है जिसमें ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्मार्ट सिटी की पूरे मुरादाबाद को बनाया जाए, क्योंकि महापौर पूरा मुरादाबाद चुनता है, तो पूरे मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी ना बनाने की क्या वजह? अब देखिए, आप जैसे आपने बताया सिविल लाइन इलाका है, दिल्ली रोड है, ये सब स्मार्ट, ये तो ऑलरेडी स्मार्ट है, इसमें वैसे ही अच्छे ग्रीन सिटी वगैरह सब बनी हुई है। इसको भी अब जो स्मार्ट सिटी के नाम पर और खोदा जा रहा है, आप अम्बेडकर पार्क की तरफ चले जाइए, जिसमें हमारे क्षेत्रीय मंत्री रहते हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनकी क्षेत्र पूरे स्मार्ट सिटी तो दूर की रही, वो तो गांव के पगडंडी भी नहीं लगती, पूरा रोड खुदा पड़ा है अम्बेडकर पार्क की तरफ को, तो पूरा शहर ही खोद दिया है। स्मार्ट सिटी तो अभी दूर का सपना लगता है, और मुझे तो लगता नहीं है कोई काम कर पाएंगे। और जैसे कि आप स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, अभी ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, अब आप केंद्र सरकार की तरफ चले जाइए, जो उनका मैंने घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो उन्माद फैलाकर और वोट हासिल करे, आप में एक आप सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उस घोषणा पत्र में इन्होंने एक भी वादा अमल में लाए? उसमें जब सबसे पहला मुद्दा था धारा 370 का, राम मंदिर का, हिंदू राष्ट्र का, और क्या कहते हैं गंगा जी की सफाई के लिए, और उमा भारती क्या कहते हैं
जल समाधि लेने वाले थे, आज तक उन्होंने जल समाधि की, उनकी सीमा खत्म हो गई है और बहुत सारे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का था, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदुत्व को धोखा देने के अलावा हिंदुत्व के पक्ष में एक भी काम नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये वोट हासिल करना चाहते हैं। और क्योंकि अगर ये राम मंदिर बना देंगे, कोई भी एक काम कर देंगे, तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए हमें नहीं लगता ये भी काम करेंगे हिंदुत्व के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अखिलेश जी भी लखनऊ में इसी बात को कह रहे थे कि अयोध्या में जितना काम समाजवादी पार्टी ने करा दिया, उसका कोई भी 1% काम नहीं कराया। तो इस चीज को आने वाले समय में क्या आप सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अयोध्या में कुछ विकास के काम कराएगी? मंदिर की बात हम लोग नहीं कर रहे, क्या विकास के कार्य भाजपा करा पाएगी जो अखिलेश जी की सरकार में हो चुके हैं? अब देखिए, जैसे आपने खुद बताया, अगर विकास की बात या राम जो मंदिर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर की बात का मामला अयोध्या से जुड़ता है, अगर वहाँ जिस जो अपना गढ़ है उस जगह पे इनका कोई भी विधायक और सांसद नहीं जीतता, वो वहाँ पर हमेशा विपक्षी समाजवादी पार्टी के विधायक जीतते आए हैं, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने खूब फैलाया मसला, लेकिन वहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी के विधायक, क्योंकि ये काम ऐसा कुछ करते ही नहीं, तो वो वहाँ के लोग इन लोगों से परेशान है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परेशान है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो वहाँ का व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है, तो वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें हिंदू मुस्लिम राम मंदिर अयोध्या से इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कारोबार से मतलब है, क्योंकि अगर सब चीज़ सामान्य रहेगा तो लोग दर्शन के लिए भी आएंगे। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दे रहे हैं, क्या 12,000 रुपये में शौचालय बन सकता है? 12,000 में तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के शौचालय की बात छोड़िए, घर का शौचालय भी 12,000 रुपये में नहीं बनेगा। आप अपने घर में किसी भी बना लीजिए तो शौचालय, ये तो एक तरीके से एक अंदर खाने मतलब लीपापोती का मामला है, पैसे को ठिकाने लगाने का मामला है, कोई शौचालय नहीं बनना है। और जहाँ शौचालय बनना है, आपने देखा वहाँ ऐसे लोगों को बैठा दिया, सिर्फ अपने लोगों को सेट करा जा रहा है, उस शौचालय के ऊपर गांधी जी का चश्मा लगा के गांधी जी की इंसल्ट करी जा रही है, जो हमेशा गांधी जो हमारे देश के प्रेरणा सोच रहे हैं उनका अपमान करा जा रहा है, उस शौचालय पर इज्जत लग घर लिखा जा रहा है, क्योंकि क्या क्या वहाँ इज्जत घर लिखने का क्या औचित्य है, सिर्फ शौचालय लिखा जाए, इज्जत घर को हटा दिया जाए लिखा हुआ। अच्छा, जैसे शौचालय की बात है तो शौचालय का पैसा सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में जा रहा है, लेकिन लाभार्थी इस चीज को नहीं बना रहे, तो FIR जो हो रही है वो ग्राम प्रधान के ऊपर, ये आप क्या क्या मानते हैं, ये उचित है या गलत है? ये गलत है, शौचालय तो लाभार्थी को मिलना चाहिए, जब उसका पैसा है तो लाभार्थी के पास जाना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान को टारगेट करा जा रहा है, ग्राम प्रधान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं ग्राम प्रधान को टेरर द्वारा अपनी तरफ को खींचना, एक तरीका उनका मकसद ग्राम प्रधान को अपने दबाव में लाना है आगे चुनावी रणनीति को देखते हुए। भविष्य के लिए मुरादाबाद में, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि भाजपा की लहर में भी 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ 4 सीटें निकलने की वजह क्या थी? देखिए, हम पूरी की 6 सीटें जीते हुए हैं, हम नहीं मानते हमारी 4 सीटें, क्योंकि 6 सीटें जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस दौर में हमें जबरदस्ती हराया गया, क्योंकि कुछ 1200 कुछ 2200 वोटों से ये जीत हार कोई हार नहीं है, प्रशासन ने हम लोगों को जब देखा कि सरकार भाजपा की आ रही है तो प्रशासन ने जानबूझकर हमें हराया, ये हमारे दोनों हम नहीं मानते हमारे 4 विधायक हैं, हमारे 6 विधायक हैं और लोकसभा सदस्य भी हमारा होगा और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे हम आगे। 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हों जो आप दर्शकों तक पहुँचाना चाहें? कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है कि सब लोग पूरे समाज को जोड़ के जो समाज तोड़ने की बात करते हैं उनका पर्दाफाश करें, उनको उनके खिलाफ सड़कों पर आएं और हर समाज के हर तबकों को हर मजहब के लोगों को अपने साथ लेकर कांधे से कांधे मिला के लेकर चलें और ऐसी शक्तियों को सांप्रदायिक शक्तियों को बेनकाब करें जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, तो गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि हमारा जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठने का, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम समाजवादी पार्टी इसी लाइन पर काम करती है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरादाबाद से धर्मेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने बड़ी ही बेबाक अंदाज में रखी
और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 2019 और 22 के लिए भी तैयार है, ये बात धर्मेंद्र जी ने हम लोगों को बताई। और हम लोग इसी कारवां को आगे भी जारी रखेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।